My name is Rahul Barwal. I am a student of Central University of Jammu from Travel and Tourism Department. तो आज मैं आपको कठुआ डिस्ट्रिक्ट की कुछ ऐसी लोकल डेस्टिनेशनों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये डेस्टिनेशन यहाँ से जम्मू से लगभग 80 किलोमीटर दूर है, और इस रास्ते पे आपको 2 किलोमीटर दूरी पे एक किला दिखेगा जिसका नाम मनकोट किला है। इस साइड आपको शुक्राला माता जी दिखेंगी, जो एक बहुत ही प्राचीन धर्म स्थल है जो अभी श्राइन बोर्ड के अंदर आया हुआ है। तो चलिए चलते हैं। जाना चाहते थे इस रास्ते पे आपको दिख जाएगा रामकोट किला। ये बिल्डिंग जो आपको दिख रही है ये एक म्यूज़ियम है, अभी के लिए ये बंद रखा गया है। जब खुलेगा तो हम आपको एक बार ज़रूर दिखाएंगे दोबारा से। और ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ये किले के लिए जाने वाला रास्ता है, और ये आपको किला दिखाया जा रहा है।
ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मनकोट किला है, जो कि अब पूरी तरह से टूट चुका है। और यहाँ के मनकोटीय बिरादरी और यहीं के लोकलों ने इस मॉन्यूमेंट को बचाने के लिए एक मंदिर का निर्माण किया है इसी किले के नाम से। इस मंदिर का नाम है मनकोटिया माता मंदिर। तो मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाऊंगा, इस किले की जो अभी तक बचा हुआ है उसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। यहाँ के जो राजा थे वो इसी जगह से चारों तरफ नज़र रखा करते थे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कितनी दूर दूर तक आप देख सकते हो यहाँ से। और ये जो एक पोर्शन है किले का जो अभी टूट चुका है पूरी तरह से, आपको दिखाया है ये 200 साल पुराना किला है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में चलिए यहाँ के लोकलों से कुछ जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं। आज हम आपको मनकोटिया राजवंश कुल पुरोहित सुदर्शन खजूरिया से भेंट करवाते हैं। सुदर्शन जी आपको रामपुर में स्थित मनकोट किला के इतिहास के बारे में बताएंगे। जी, रामकोट एक प्राचीन ऐतिहासिक कस्बा है। 200 साल पहले इस कस्बा का नाम मनकोट हुआ करता था। तब यहाँ पर मनकोटिया राजवंश के राजागण राज्य चलाते थे। यहाँ का किला 11वीं सदी के लगभग जमवाल कल्याण वंश के
राजा मानक देव ने जम्मू का राज्य अपने छोटे भाई को देकर यहाँ पर किला बनाया था। उन दिनों की बात है कि जब राजा मानक देव बनेड़ की पहाड़ियों में शिकार खेलने के लिए आते थे, उन दिनों यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित एक छोटे से तालाब के किनारे एक तेंदुआ और जंगली बकरी आमने सामने पानी पी रहे थे। राजा एक पेड़ की आड़ में शिकार खेलने बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक जंगली बकरी और एक तेंदुआ जो पानी पी रहे हैं, दोनों ने पानी पिया और अपने अपने रास्ते चले गए। राजा के मन में ये सोच आई कि ये तो एक धार्मिक स्थान है, चलो इस जगह की खोज करें। कुछ दिनों खोज करने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ पर पानी ही पानी है और ये नाग देवताओं और भगवान का स्थान है। उन्होंने यहाँ पर उस तालाब को पक्का करवाया, उसके साथ ही एक मंदिर बनवाया और उसके साथ ही एक किला किले का निर्माण कर दिया और यहाँ से ही अपना राज्य शुरू कर दिया। मनकोट राज्य की सरहदें उच्च दरिया के मस्तगढ़ से माहौरगढ़ मानसर और सुनीसर देवका परमंडल तक फैली हुई थी। दक्षिण में ये सलनी दयालाचक मंगलूर जुथाना और उत्तर में ये सामनाबंज तक राज्य फैला हुआ था। तो ये किला तकरीबन 1000 साल पहले राजा मानक देव मनकोटिया ने बनाया था। राजा मानक देव के नाम पर ही इस जगह का नाम मनकोट पड़ गया, जो बिगड़ते बिगड़ते मनकोट हो गया। 200 साल पहले जब महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू के रजवाड़ों को इकट्ठा कर एक शतर राज बनाने की चाही तो उन्होंने 1820 के दशक में यहां से मनकोटिया राजाओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया और यहां पर एक 50 आधा दशक समझो के 40-50 साल के बाद यहां पर जसवाल राजाओं को ये जागीर के रूप में दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमें आज आपने रामपुर किले की थोड़ी हिस्ट्री बताई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम जिस लोकेशन पर पहुंचे हैं उस लोकेशन का नाम लाखड़ी हमदाना है, जो कि जम्मू से 90 किलोमीटर दूर धार रोड पे स्थित है, जहाँ पे मैं आपको माँ चंडी जी का जो दिव्य मंदिर है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी और दर्शन भी करवाऊंगा। चलिए चलते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशनों को और इन धर्म स्थलों को दिखाने का मेरा ये मोटिव है कि पहले
जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बड़ी बड़ी उनको तो सभी दिखाते हैं, पर ये जो छोटी डेस्टिनेशन है इनको कोई भी नहीं दिखाता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी कठुआ डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करूँ। तो थैंक यू और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।